जनपद भदोही थाना औराई के अंतर्गत माधव सिंह उत्तर मोहल्ला अब्दुल हकीम के साथ जीते हुए प्रत्याशी मोहम्मद शाहबाज उर्फ तेजैन ने जीतने की खुशी में जश्न मना रहे थे। रात में 3 बजे जब अब्दुल हकीम के घर के पास पहुंचे, अब्दुल हकीम ने उन्हें कहा कि भाई हमारे घर में मरीज है, आप यहाँ पर पड़ाके ना बुलाएं, अपना नगाड़ा ढोल ना पीटें और यहाँ पर जुलूस का नारा ना लगाएं। मना करने पर जीते हुए प्रत्याशी अब्दुल हकीम को मारने पीटने लगे, जो कि अब्दुल हकीम को धारदार हथियार से मारकर उनके हाथों की उंगलियां काट दी हैं और उनके घर वालों को धमकी दिए हैं कि जितना तुमको प्रशासन को बुलाना है बुला लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब्दुल हकीम प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जो कि अभी तक यह कोई कार्यवाही नहीं किए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ ब्यूरो चीफ रफीक खान को बताए हैं। आइए सुनाते हैं अब्दुल हकीम रजा के पुत्र वासिम रजा की जुबानी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ से रफीक खान आपको दिखा रहे हैं कि 3 तारीख को जीते हुए माधव सिंह के प्रधान ने किस तरह दबंगई दिखाया है, जो कि धारदार हथियार से मार दिए हैं। माधव सिंह में हाथ कट गया है एक आदमी का। आइए बात करते हैं जिस प्रत्याशी के घर पे लड़ाई झगड़ा हुआ था। हाँ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके घर पे क्या हुआ था उस दिन, जिस दिन प्रधान जीत कर आए थे, जश्न मना रहे थे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद वसीम रजवी है, मैं उत्तर मोहल्ला माधव सिंह का रहने वाला हूँ। मैं तो उस वक्त बाहर था, मतलब बेंगलोर था, तो मुझे पता चला मेरे घर पे जो प्रधान तेजन प्रधान है, ये हमारे माधव सिंह के, ये 3 तारीख की रात को 3 बजे रात जी, जो कि COVID-19 का जी मामला, जो बीमारी, ये महामारी चल रही है जी, इसका उल्लंघन इन्होंने किया जी, जबकि थाने से भी मना था जी कि कोई ऐसा कोई जुलूस वगैरह ना निकालो जी, जिसमें मतलब COVID-19 का उल्लंघन हो, महामारी फैले बीमारी फैले जी, ताकि फिर भी ये हमारे प्रधान जी ने इसका प्रशासन को अपने तलवों के नीचे रखा जी, और प्रशासन की एक भी बात नहीं सुनी जी। मतलब इनका कहना था भाई हम प्रधान हैं तो गांव के शेर हैं जी, ठीक है, गांव के शेर है, गांव में हमारा चलता है और किसी और का नहीं चलेगा जी, न गवर्नमेंट की चलेगी न किसी और की चलेगी। हालांकि कुछ पुलिस वाले भी आए बाद में जी, हाँ, मगर हमारे घर वाले जो क्योंकि ये सामने वाले प्रधान थे जी, तो कुछ लोग हमारे घर वालों ने कुछ नहीं किया जी। इन्होंने प्रधान जी ने क्या किया, अपने विजयी का जश्न मनाते हुए रात को 3 बजे पूरे गांव में घूम घूम कर नारा लगाए जी, और इसका वीडियो भी है हमारे पास जी, और हमारे मकान के पास आए जब प्रधान जी तो, और इनके साथ में जो इनके सपोर्टर थे हजारों की तादाद में, हमारे पिताजी ने मना किया, 3 बजे रात की बात है, हमारे पिताजी ने जब मना किया कि भाई साहब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं घर में और कुछ बीमार महिलाएं सो रही हैं, बूढ़ी औरतें हैं, आप रात को पटाखा मत छुड़ाइए, मगर प्रधान जी अपने विजय होने के गर्व में उसमें जुनून में इतना जज्बा था उनको कि कुछ भी मतलब माने नहीं, और फिर भी प्रधान जी के सपोर्टर ने और खुद प्रधान जी ने हमारे पिताजी को और हमारे चाचा को, जो हमारे चाचा बशारत अली हैं वल्द करामत अली और दूसरे चाचा मोहम्मद मूसा उर्फ गयासुद्दीन करामत अली और मेरे पिताजी अब्दुल हकीम जी, उनका मेरे पिताजी का अब्दुल हकीम का उन्होंने बाएं हाथ की उंगली से धारदार हथियार से मारा और उंगली के 2 टुकड़े हो गए, इसका वीडियो भी हमारे पास मौजूद है जी, और ये इलाज हमारे पिताजी का चल रहा है गोपीगंज के हॉस्पिटल में जी। अब चूंकि हम लोग ये केस कराने आए हैं, अभी अब देखते हैं प्रशासन की तरफ से हमको क्या, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो जी, और प्रधान जी जो गवर्नमेंट जो सरकार का जो उल्लंघन किया, COVID-19 का उल्लंघन किया और जो हमारे पिताजी को चोट लगा है, इसका मैं भरपूर बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि बेटा होने के नाते मेरे खून में हर एक
मेरे खून का जब तक कतरा कतरा रहेगा मैं बिक जाऊंगा, मैं अपने आप को बेच दूंगा जी। हर एक अपने जिस्म का खून, एक खून का कतरा कतरा निकाल दूंगा अपने पिताजी का बदला लेने में जी। और जो हमारे साथ हैं, आप बदला लेना चाहते हैं या कानून से न्याय लेना चाहते हैं? जी जी जी, मैं कानून से ही न्याय लेना चाहता हूँ। अगर बदला लेना होता, पूरे प्रधान जो प्रधान प्रत्याशी जीते हुए हैं उनका नाम बता सकते हैं, किस मोहल्ले के हैं ये बता सकते हैं आप? जी, इनका नाम है तज्जन जी, इनका असल नाम है शहबाज, मोहम्मद शहबाज उर्फ अब्दुल हकीम, इनके पिताजी का नाम अब्दुल हकीम है और इनको तज्जन के नाम से लोग जानते हैं। किस मोहल्ले से जीते हुए प्रत्याशी हैं? पश्चिम मोहल्ले के रहने वाले और माधोसिन मौजा से जीते हुए हैं और बहुत ही अपने आप को दबंग समझते हैं जी। जिसको चाहते हैं मारते हैं, जिसको चाहते हैं छोड़ते हैं जी। जैसा कि मैं रफीक खान ब्यूरो चीफ आपको बता रहा हूँ प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ से कि इनके घर पर 3 बजे रात को जश्न मनाते हुए जीते हुए प्रधान प्रत्याशी वहाँ पर इनके अब्बा जान को धारदार हथियार से मार दिए हैं, जिनका हाथ कट चुका है। फैमिली में बहुत लोगों को मारे हैं और धमकाए हैं, तरह तरह से इनके यहाँ विवाद चल रहा है जो कि इस दौर में महामारी फैली हुई है। उस महामारी को देखते हुए इनके घर में बीमार लोग थे, इन्होंने मना किया कि यहाँ पे पटाखा ना बजाएं और जुलूस ना निकालें, जबकि मना करने पे, विरोध करने पे इनके घर वाले, इनके फैमिली को मारा गया, सताया गया है। ये प्रशासन से न्याय की गुहार करते हैं। ब्यूरो चीफ रफीक खान की खास रिपोर्ट।